हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। प्लीज नोट डाउन एंड स्टडी वेरी केयरफुली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पोजिशन इन द एंटरप्राइज। It also define the relationship between various positions, department and persons. Okay? It helps in allocating authority and responsibility formally and decide who is to report to whom and who is direct to him. Okay? So, organizational structure define the position of person in the organization, who is superior to whom and who are his subordinate. Okay? तो स्टार्ट थोड़ा मैं लिख भी देता हूँ साथ के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू हायरार्किकल अरेंजमेंट of various positions in the enterprise। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक हायरार्किकल अरेंजमेंट है बहुत सारी पोजीशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं। एक एचआर मैनेजर है, एक फाइनेंस मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है। तो उनको किस तरीके से हायरार्किकल लेवल में अरेंज किया गया है, ठीक है, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंक्लूड की जाती हैं। जैसे कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके अंडर में एक प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है। ओके, अगेन प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में फैक्ट्री मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ओके, और फोरमैन, स्टोर कीपर, ये सारा स्टाफ उसके अंडर में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में सेल्स मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, और सेल्स मैनेजर के अंडर में सेल्स सुपरवाइजर्स हैं। तो ये क्या है, पूरी मार्केटिंग टीम है। इसी तरीके से अदर डिपार्टमेंट, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर के अंडर में कौन कौन, चीफ अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर्स, ठीक है। इस तरीके से पूरे एक मेंबर बना हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पोजीशन इन द एंटरप्राइज। एंड इट आल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशंस। तो आपस में क्या है, आपस में जितने भी पोजीशंस हैं उनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। दे आर इंटर रिलेटेड टू एंड दे आर इंटर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, इट हेल्प्स इन एलोकेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मली। किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल द मैटर्स, ऑल द थिंग्स डिफाइन वेरी एफिशिएंट मैनर एंड वेरी इफेक्टिव मैनर इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन किस पोजीशन पे प्लेस है, किसके पास क्या पावर है, और कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, और कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि टॉप पे कौन एग्जिस्ट करता है, मिडिल पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है, और लोअर पे कौन कौन पोजिशन एग्जिस्ट करती है। दिस ऑल थिंग्स यू कैन वेल डिफाइन एंड वेल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। It also defines the relationship between various positions, departments एंड पर्सन, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इट हेल्प इन एलोकेटिंग अथॉरिटी
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मली एंड डिसाइड, एंड डिसाइड हु इज टू रिपोर्ट टू हुम एंड हु इज टू डायरेक्ट, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको डायरेक्ट करेगा, टू हिम। ओके, जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रोडक्शन मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर अपनी पूरी टीम को डायरेक्ट कर रहा है। ओके, उसके अंदर जो फैक्ट्री मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, उनको वो डायरेक्ट कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, और जो फैक्ट्री मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, वो प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। जो भी उनकी एंटायर प्रैक्टिसेस हैं, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सारे मिलके कोऑर्डिनेट तरीके से वो काम कर रहे हैं और अपना जो भी आउटपुट है उसको वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अपनी अथॉरिटी को, पावर को एक्सरसाइज किसके ऊपर कर रहा है। ठीक है, और वर्कर्स किस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी कैन ऑल्सो से दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज टास्क एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन विच डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एम्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए सुपरविजन ऑल्सो रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड, टास्क एलोकेशन, सो दीज ऑल शो बाय द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड द व्यूइंग द ग्लास एंड परस्पेक्टिव थ्रू विच इंडिविजुअल सी देयर ऑर्गेनाइजेशनल एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी बना देता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ताकि आप उसको इजिली अंडरस्टैंड कर लें। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं टॉप मैनेजमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम शॉर्ट में MD भी बोलते हैं। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में यहाँ पे तीन पोजीशन दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेकंड वन है मार्केटिंग मैनेजर, और थर्ड वन है कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, फाइनेंस ले लेते हैं, फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, अगेन प्रोडक्शन मैनेजर का जो डिपार्टमेंट है, इसमें हम इसको द्वारा से कैटेगराइज कर रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में फैक्ट्री मैनेजर है, अलग अलग पोजीशंस भी हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और स्टोर मैनेजर भी इसी के अंडर में है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना रॉ मटेरियल स्टॉक में होना चाहिए, स्टोर्स मैनेजर। ओके, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में कौन कौन है, फोरमैन या फिर सुपरवाइजर्स, और स्टोर मैनेजर के अंडर में कौन है, स्टोर कीपर। इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में सेल्स मैनेजर और एडवर्टाइजिंग मैनेजर। ओके, सेल्स मैनेजर के अंडर में सेल्स सुपरवाइजर, सेल्स सुपरवाइजर, और दूसरा कोई सेल्स सुपरवाइजर भी हो सकता है। सेम एज फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर चीफ अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट और ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर जैसे हम बोल रहे हैं। और इनके अंडर में भी क्या हो सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर हो सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर अकाउंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जो मैंने यहां पे एक ड्रॉ किया है।
तो यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। यानी कि मार्केट एमडी हैज पावर एंड अथॉरिटी टू डायरेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, अब प्रोडक्शन मैनेजर किसको डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर और स्टोर मैनेजर को डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर एमडी को रिपोर्ट करेगा, फैक्ट्री मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और प्रोडक्शन फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में जितने भी फोर मैंस हैं ये फैक्ट्री मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, और फैक्ट्री मैनेजर इनको गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, लीड करेगा। तो ये पूरा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जहाँ अलग अलग पोजीशंस दिखाई गई हैं और उन पर बताया गया है कि भाई ये पोजीशंस हैं, उनमें ये हायरार्की बनी हुई है, और कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, सारी चीज़ें वेल डिफाइन है। ठीक है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या क्या फीचर्स होते हैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है। ओके, सो फर्स्ट फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सिंप्लिसिटी। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी बेसिकली सिंपल। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लिसिटी इंप्लाय दैट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस शुड बी कीप मिनिमम पॉसिबल। ओके, तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बहुत सारी पोजीशंस बना रखी हैं और उन पे क्या है, बहुत सारे एक लंबी चेन आपने वहाँ पे बना रखी है जहाँ बहुत सारी पोजीशन एग्जिस्ट कर रही हैं, जिससे क्या है बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं। जैसे कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, तो कम्युनिकेशन अगर टॉप से लास्ट तक पहुँचेगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, बीच में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है सिंपल होना चाहिए। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे लास्ट में मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लिसिटी इंप्लाय दैट वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस शुड बी कीप मिनिमम पॉसिबल, जितना मिनिमम हो सके उतना आपको रखना है। ठीक है, सेकंड वन है फ्लेक्सिबल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिजिड स्ट्रक्चर बना दिया उसके बाद आप उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे हो। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ दैट changes can be incorporated whenever needs arise. जब भी changes की need आए तो आप उसको easily change कर सको। ठीक है, उसके बाद third one है, third feature of good organizational structure, clear line of authority. means to say whatever the form of structure is adopted, there should be clear line of authority running from top to bottom in the horizontal directions. ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे अभी बताया गया है top to bottom in the horizontal directions. तो क्या है, clear line authority है। MD है, इसके अंडर में production manager, production manager के अंडर में ये दो position. ठीक है, तो एक clear line authority यहाँ पे reflect हो रही है इस organization structure में। तो इसी तरीके से हमें organization structure को adopt करना चाहिए। उसके बाद next है एप्लीकेशन ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइन होनी चाहिए, प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सजेस्ट दैट ऑल्दो सुपीरियर मैनेजर असाइन सम ऑफ द वर्क टू सबऑर्डिनेट, ही इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टोटल वर्क। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका अलग अलग टास्क हमने डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल पोजिशन लेवल्स। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल देयर शुड बी मिनिमम मैनेजरियल लेवल्स। ग्रेटर द नंबर ऑफ मैनेजर लेवल्स, लॉन्गर द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, द चेन ऑफ द कमांड एंड द कम्युनिकेशन हैज ट्रेवल अलॉन्ग द लाइन, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, अ डिले एंड डिस्टॉर्टेशन। ठीक है, तो जो मैनेजर लेवल है कम से कम होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन में डिले ना हो। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कमांड।
जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं प्रिंसिपल्स में, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स भी प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड। भी सारे लोग एक ही बॉस को कंसीडर, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो एक बार में बहुत एक से ज़्यादा लोगों को रिपोर्ट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। एंड यू हैव टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस क्या हो, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हमने एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है। सो फर्स्ट वन है स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पेशलाइजेशन लीड करता है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग केयर इज टेकन टू सी दैट व्हाट इज एक्टिविटीज आर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट जॉब्स। तो आपने क्या करा, जो भी रिक्वायर्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं उनको आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और सब डिवाइड कर दिया कन्वीनियंट जॉब्स में। ओके, दे आर ऑल्सो टू बी ग्रुप्ड इन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट स्पेशलाइजेशन, स्पीडी परफॉर्मेंस, टास्क एंड एफिशिएंसी। ये सारी चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, लोगों को आपने क्या कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, अब उनके उनके फील्ड में उनके जॉब को डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्या कर दी, एक तरीके से दे आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लीट देयर टास्क, और ये सारी चीजें परफॉर्मेंस को बढ़ा रही हैं और वहाँ की एफिशिएंसी को। सेकंड है वेल डिफाइंड जॉब, वेल डिफाइंड जॉब्स। द जॉब्स ऑफ मैनेजर एंड नॉन मैनेजर्स आर क्लियरली डिफाइंड। सबकी जॉब डिफाइंड है एंड डिफ्रेंशिएटेड, और डिफ्रेंशिएट भी है कि सब जितनी भी पोजिशंस हैं सबको पता है कि हमें हमारा क्या टास्क है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों को अपनी जॉब वेल डिफाइंड होनी चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो जॉब डिफाइंड, वेल डिफाइंड जॉब ऑल्सो कंसिडर द एम्प्लॉय एंड फिटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। दिस इज द मीन ऑफ वेल डिफाइंड जॉब। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज क्लैरिफाई, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड पावर, authority and power. Okay, a clear cut definition of authority enjoyed by the each manager and his jurisdiction of activity minimize conflict and confusion about the respective power and privileges of the managers. ठीक है, तो clarify है सारी चीजें, किसकी क्या authority है, किसके पास कितनी power है और उस power को वो किस तरीके से अपने subordinate पे exercise करेगा ताकि वो जो भी उनके task है वो time पे complete करे। ठीक है, fourth number है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जब जॉब वेल डिफाइंड है तो कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ टास्क का वहां पे होगा ही नहीं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड ओवरलैपिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वेरियस एम्प्लॉय एंड वर्क यूनिट्स। ओके, सिक्स्थ वन कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर क्या है, कोऑर्डिनेशन रहेगा। वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑल्सो लीड द कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स टू पीपल। हारमोनी रहेगी काम में हायर लेवल टू लोअर लेवल तक। सो दीज ऑल थिंग्स लीड टू कोऑर्डिनेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सिक्स्थ वन इज source of support and security. Okay, organization structure is source of support and security and satisfaction to manager and employee in performing their assigned task. ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हमने कंप्लीट किया, तो हमें हम क्या हैं, सिक्योर हैं, हम एक बार एक तरीके से सेटिस्फाई फील कर रहे हैं अपने आप में, जो भी टास्क हमें दिए गए हम टाइम पे उनको कंप्लीट कर रहे हैं।
सो इट रिकॉग्नाइज द रिलेटिव स्टेटस लेवल ऑफ मेंबर्स, ईच ऑफ वन ऑफ मेंबर एंजॉय हिज डेफिनेट स्टेटस, वो अपनी पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, अपने स्टेटस को एंजॉय कर रहा है, एज वेल एज फीलिंग द सेटिस्फेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें क्या है, एज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट और सिक्योरिटी का काम कर रही हैं. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आफ्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स वी शुड कंसीडर. सो दिस वन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, सो फर्स्ट वन क्या है, वर्क स्पेशलाइजेशन. फर्स्ट वन इज वर्क स्पेशलाइजेशन. सो अबाउट दिस, स्पेशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इन स्पेशलाइजेशन ईच वर्कर इज असाइंड अ स्पेसिफिक रिपीटेटिव टास्क. ठीक है, ब्रेकिंग जॉब इन टू स्मॉल स्टैंडर्डाइज टास्क विच कुड बी परफॉर्म ओवर एंड ओवर अगेन, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज. तो आप क्या करोगे, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चराइज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वर्क स्पेशलाइजेशन पे आप ध्यान दोगे, ताकि लोगों के जो भी एंटायर एक्टिविटी टास्क है या फिर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, आप उनको डिवाइडेड कर दो. ओके, अगेन सब डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ताकि लोग बहुत उसको एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें. ठीक है, तो पहला एलिमेंट यही है, वर्क स्पेशलाइजेशन. जैसे कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में मैनेजर है, मैनेजर के अंडर में अदर स्टोर मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर है. तो आपने क्या करा, जो भी प्रोडक्शन की जो एंटायर एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, और उन पे उनको लोगों को उन राइट पोजीशन पे प्लेस कर दिया, ताकि इस तरीके से स्पेशलाइजेशन भी हो गया और लोग अपने फील्ड में बहुत एफिशिएंसी के साथ अपने टास्क को भी परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट एलिमेंट है. सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज, मार्केटिंग से इसकी रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, उसमें आपने क्या करा, जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, रिक्वायर्ड एक्टिविटी हैं, उनको आपने एक डिपार्टमेंट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें सेल्स भी है, उसमें एडवर्टाइजिंग भी है, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन की भी हम बात कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करी, एक डिपार्टमेंट में, एक ग्रुप में चेंज कर दी, जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोल रहे हैं. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. डिपार्टमेंटलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. इट मीन्स डिवाइडिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयज एंड एंटरप्राइज इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स. जैसे कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर होता है, फाइनेंस होता है, प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. जैसे कि पीछे अभी मैंने दिखाया भी था, अगेन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि भाई एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, और इनके अंडर में बहुत सारे टीम मेंबर काम कर रहे होंगे, और जो उनके अलग अलग फंक्शंस होंगे, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी जो वो परफॉर्म कर रहे होंगे. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स एज अ होल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सेकेंड जो थर्ड जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो है चेन ऑफ कमांड. Okay, the organization structure decide mode of the chain of command. Organization has a scalar chain of command and thus functional organization has a supervisory command. The chain of command is unbroken line of the authority that extends from the top of the organization to the lowest level. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया था, अगेन मैं ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ. तो एक चेन ऑफ कमांड है जो कि एमडी से स्टार्ट हुई, प्रोडक्शन मैनेजर पे पहुंची, फिर अलग अलग जो भी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और लास्ट पे जाके जो लोएस्ट लेवल है यहाँ पे जाके वो फिनिश हो रही है. ठीक है, यानी कि जो भी कमांड है वो स्टार्टिंग टॉप से लेके बॉटम पे एग्जिस्ट कर रही है जाके.
तो इसी को हम चेन ऑफ कमांड बोल रहे हैं। जो भी यहाँ पे चीजें हो रही हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं, एक चेन में हो रही हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन की बात करें तो एमडी क्या करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन मैनेजर को कन्वे करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर अपने उसके अंडर में जितने भी मैनेजर ये काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, जैसे कि फैक्ट्री मैनेजर है, स्टोर मैनेजर को कन्वे करेगा, और ये अपने इनके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे। तो एक तरीके से स्केलर चेन है, एक तरीके से लाइन बनी हुई है। तो वही हम बात कर रहे हैं चेन ऑफ कमांड। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, यानी कि आप जो ऑर्डर रिसीव कर रहे हो किसी एक बॉस से रिसीव कर रहे हो, आप एक बार में किसी एक से ज्यादा बॉस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो चीज यहाँ पे हम स्टेट कर रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, आफ्टर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई एक मैनेजर के अंडर में एक टाइम में कितने लोग काम कर रहे हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि कितने लोगों को वो इफेक्टिवली एक टाइम में कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, गाइड कर सकता है। दिस इज अ प्रिंसिपल एंड एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दिस इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो अगेन आई एम सेइंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली बाय अ सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर कितने लोगों को एक बार में इफेक्टिवली एक साथ मैनेज कर सकता है, वही मैनेज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पैन ऑफ सुपरविजन। ठीक है, आफ्टर दैट सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। According to situation, according to condition, centralization and decentralization should be followed in the organization. Okay? तो ये भी क्या है, important element है। जैसे कि क्या है, centralization में क्या है, जो authority है top पे exist कर रही है, सारे power जो भी decision making है top management कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अलग किसी particular situation में, तो वो क्या करते हैं, उनको जो भी उसकी authority है, उसको power है, उसको delegate भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टास्क हैं वो टाइम पे मैनेज होते रहें, कंप्लीट होते रहें, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती रहे। सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ, मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया, फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फाइनेंस मैनेजर जो डेलीगेशन है एक तरीके से ये क्या है, डिसेंट्रलाइज है एक तरीके से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर के अंडर में चीफ अकाउंटेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो क्या है, ये डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की तरह भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी पावर एमडी के पास ही है, एमडी ने क्या करा, कुछ पावर कुछ को अथॉरिटी को डेलीगेट किया फाइनेंस मैनेजर को। फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है, उस अथॉरिटी को एंजॉय करके जो उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यही इसी प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज दिस ऑल्सो मस्ट बी कंसिडर एज अ एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज्ड, इसको हम स्टैंडर्डाइज्ड भी बोल सकते हैं। एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, एंड दैट स्ट्रक्चर मस्ट बी सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी। वो एफिशिएंस होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। द प्रोसेस इनपुट और आउटपुट आर यूनिफॉर्म, देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जॉब आर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एंड डिस्क्राइब, एम्प्लॉय हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम इन द स्टैंडर्डाइज्ड टास्क। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक फिगर बनाया, उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि कितनी कितनी अलग अलग टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ
कि भाई लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन एंड स्टाफ है, फंक्शनल है, डिविजनल है, मैट्रिक्स है। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं होप सो टाइम पे क्लियर हो जाए। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके। ओके, थैंक यू।